अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़े को लेके कि हमारे मज़हब में रोज़ा हम पे हर साल में एक महीने में फ़र्ज़ कर दिया गया है। वो एक इबादत है, हम अल्लाह को उसमें राज़ी करते हैं, उसे एक महीने में इबादत करते हैं, अपने ऊपर अपने अंदर बर्दाश्त लेके आते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, और उस पूरे प्रोसेस में हमारी उस पूरे के पूरे महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। और एक भूखा रहने की क्या फीलिंग होती है, एक प्यासा रहने, ताकि हम हमारे अंदर ये एहसास जन्म ले और हम अपने भाइयों इर्द गिर्द वो लोग जो इतने ब्लेस्ड नहीं है, जिनको जिनके पास खाने को नहीं है, या जो लोग मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें भी एहसास हो कि भूखे पैसे रहने से इंसान पे क्या गुजरती है, और हमारे दिल में उन लोगों के लिए हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार जागे। इसके साथ साथ जो रोज़ा रखना है, जो रमदान है, उसका क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे मज़हब में कोई भी चीज़ अनसाइंटिफिक नहीं है, हमारे मज़हब में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मतलब कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हो, क्योंकि वो अगर है तो उसकी आपके रूह से लेके आपके जिस्म से लेके हर चीज़ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो आजकल के दौर में हम लोग वीडियोस देखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बात मैंने की, वीडियोस भी बनाई, शुगर को लेके, डायबिटीज़ को लेके अगर कोई सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी शुगर को रिवर्स करने का, और उन सारी कॉम्प्लिकेशन से जिनमें लोग जाते हैं शुगर के मर्ज़ में, डायबिटीज़ के मर्ज़ में, उससे बचने का, तो वो बहुत सारी डाइट्स हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो फास्ट करना है, वो फास्टिंग है। इंसुलिन लेवल्स जो हाई रहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, अगर आपने मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है, उसके जिस्म पे असरात क्या होते हैं और उसको ठीक कैसे किया जाता है। अब मैं थोड़ा अपने चूँकि वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिलीजन से रिलेटेड जो हमारे मज़हब में है, जितने भी काफ़ी अंबिया गुजरे जिन्होंने रोज़ा रखा, तो इस रोज़ा रखने में बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हमारे जिस्म के ऊपर कोई ना कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसको देख के अल्लाह ताला ने इस चीज़ को नफली इबादत से लेके इवन फ़र्ज तक कर दिया है। और आज साइंस इस बात से इत्तेफाक करती है कि वाकई जो बेनिफिट्स फास्टिंग के हैं एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो इतने ज़्यादा हैं कि एक इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, चाहे वो और ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, काफ़ी सारी चीज़ों में जो है फास्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन वो फास्टिंग अगर सही की जाए, ये हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम पे अल्लाह ताला ने ये एक महीना फ़र्ज कर दिया, ये हमने रखने ही रखने हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि जिस तरह से रोज़ा रखना चाहिए पूरे दिन में, कि हम फास्ट करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन जैसे ही अफ्तारी शुरू होती है तो अफ्तारी से सहरी तक जो हम लोग बीच में खाते हैं, उसमें खाने का इंतखाब, खाने की फ्रीक्वेंसी, वो इस तरह की होती है कि हम उन सारे हेल्थ बेनिफिट्स से महरूम हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि मैं एज अ हाउस ऑफिसर काम कर रहा था एक हॉस्पिटल में, और रमजान ख़त्म होता है और ईद का दूसरा दिन था शायद ड्यूटी थी, कि तो मैंने देखा कि जितने भी जो पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा आ रहे हैं, उनको बेसिकली या तो ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, या शुगर बढ़ गई है, या और ऐसी खुराक से या एक्सरसाइज ना करने से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको लेके वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हालांकि अगर आप डायबिटिक थे रमज़ान शुरू होने से पहले, अगर आप हाइपरटेंसिव थे, तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद आपकी बॉडी डिटॉक्स हो चुकी होती, फ्रेश हो चुकी होती, और इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी मिसाल है हमारे पास कि जिससे बढ़कर कोई और मिसाल है ही नहीं,
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی میں روزے رکھے، لیکن وہ روزے انہوں نے کیسے رکھے، وہ افطاری کیسے کرتے تھے، وہ سحری کیسے کرتے تھے، کیا ہم بھی انہی کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، جو 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 ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ ہفتے میں کچھ دن وہ روزے رکھتے تھے، فاسٹ کرتے تھے، لیکن جب وہ روزے نہیں بھی رکھتے تھے تب بھی وہ بہت زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی چنا ہوا آٹا نہیں کھایا، ریفائنڈ جو ہے وہ چیزیں نہیں کھائی، انہوں نے بران بریڈ ہی کھائی۔ وہ آج کل جو ہم بران بریڈ کے جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کے فائدے بتاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سو سال پہلے پتا تھے، اور وہ انہوں نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اسی لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس سے کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں جو پیٹ کے اوپر جو فیٹ ہے وہ کوئی خاموش چیز نہیں ہے، وہ اندر باڈی کے اندر اس سے زیادہ انفلیمیٹری سیل اور کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ بہت خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نکلے ہوئے پیٹ کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے تھے، اور انہوں نے جو ہے جن صحابہ کا جن کا بھی ذرا سا پیٹ اگر باہر ہوتا تھا تو ان کو وہ اس بات پہ کہتے تھے کہ یہ باہر نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کو لے کے وہ کنسرن تھے۔ اور آج ہم جو دیکھتے ہیں تو واقعی یہ ساری باتیں بالکل حقیقت ہیں، اس میں سبحان اللہ، مطلب کوئی بندہ بھی اس چیز سے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، نہ سائنس جا سکتی نہ کوئی انسان جا سکتا ہے۔ تو اور جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے، جو فاسٹ کرنا ہے، چاہے وہ عبادت کی فارم میں، رمضان کی فارم میں ہے، یا ویسے ہی آپ نے تھراپیوٹک، آپ کو ڈائبٹیز ہے اور یا آپ کو اور لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں اور آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس وقت ہم ڈائبٹیز کی بات کریں گے، تو اس میں 16 گھنٹے کا روزہ، کچھ مطلب یہ نہیں کہ کچھ کھانا نہیں ہے، کوئی کیلوریز نہیں دینی، پانی آپ پی سکتے ہیں، اور جو ہے 8 گھنٹے کے بیچ میں آپ نے کھانا ہے، لیکن اس 8 گھنٹے کے بیچ میں بھی وہ چیزیں کھانی ہیں جو فائدے مند ہیں، جو ہیلدی ہیں، جن کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی باڈی کو، پروٹین کو پورا رکھنا ہے، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کھانے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں کہ سموسے، پکوڑے، فروٹ چاٹ، اس میں بھی چینی ڈال دی، کریم ڈال دیا، صبح پراٹھے کھا کے سو گئے۔ تو اگر تو آپ صحیح معنوں میں صحیح طرح سے ڈائٹ کو فالو کریں گے، جو کھانے کی ونڈو ہے اس میں، تو آپ کو بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یہ غیر ضروری دوائیاں، ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو ان دوائیاں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، Type 2 diabetes کی اگر میں بات کروں، کیونکہ میرے پاس اتنے کلائنٹس ہیں جنہوں نے ویٹ ریڈیوس کیا، جنہوں نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کیا، اور آج وہ بالکل فٹ ہیں، ان کی شوگر بھی نہیں ریز ہوتی، ان کی HbA1c بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی کمپلیکیشن کی طرف وہ نہیں گئے نہ، کیونکہ ڈائبٹیز کو نا ہم لوگوں نے خود ہی اتنا بڑھاوا دے دیا ہے اپنی جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے، اسی طرح کولڈ ڈرنکس پینے کی وجہ سے کہ آپ شوگرز پہ لیتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز جس کی میں بات کرتا ہوں کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بولا تھا کہ جو فروٹس ہیں، اب بیسیکلی جو فروٹس ہیں اس کے اندر جو شوگر ہے وہ فرکٹوز ہے، ٹھیک ہے، اور فرکٹوز جو ہے اس کا کام وہ جو میٹابلائز ہوتا ہے وہ لیور میں ہی ہوتا ہے، اس کو پوری باڈی نہیں یوٹیلائز کر سکتی، بنسبت گلوکوز کے، کیونکہ اب پوری کی پوری باڈی یوٹیلائز کرتی ہے، اگر ہم گلوکوز لیں گے تو وہ ہماری باڈی انرجی کے طور پہ یوز کر دے گی، لیکن اگر ہم فرکٹوز لیں گے تو وہ تین چیزیں کرے گا لیور میں جا کے، یا تو گلائکوجن میں کنورٹ ہوگا، سٹور ہوگا، یا جو ایلڈیہائڈ پاتھ وے جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہوتا ہے، فیٹس میں کنورٹ ہوگا، یا یوریک ایسڈ زیادہ بنائے گا۔ تو اب وہ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ ڈائبٹیز، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یوریک ایسڈ کا بڑھنا ہے یہ بھی جو ہے ڈائٹ اور ایکسرسائز سے ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صحیح معنوں میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں جو ہے صحیح طرح سے ڈائٹ فالو کریں گے، فروٹس بھی بہت زیادہ نہیں لیں گے، تو یہ جو یوریک ایسڈ کا ایشو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یوریک ایسڈ جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ باڈی سے
जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको डिप्लीट करता है, उसको ख़त्म करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड आसान अल्फाज में बोलूँ तो ये जो खून की नालियाँ हैं ये इनकी इनको खोल के रखता है, ठीक है ना, इनको डायलेट करके रखता है, इनको खुला रखता है ताकि खून की सप्लाई इसी तरह से होती रहे। लेकिन जब ये नहीं होगा तो ये जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, और जब ये पूरी जिस्म में कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं अपनी दूसरी जबान में, अगर हम आसान उसमें या आपके उसमें जो ईजीली आप समझ सकें वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये भी इससे लिंक हो गया, मतलब एक, एक, एक ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इसी तरफ। तो सिर्फ इस एक डाइट को एडजस्ट करने से, फास्ट करने से और खाने की विंडो में फ्रुक्टोज के इस्तेमाल को कम करने से ना सिर्फ आपका जो है डायबिटीज़ ठीक होगा बल्कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और साथ साथ यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। और वो बॉडी बिल्डर हजरात जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से डरते हैं, घबराते हैं कि यार मैं इतना अरसा फास्ट करूँगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा मसल लॉस हो जाएगा या मैं मसल लूज़ कर दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडीज़ में जो सबसे ज़्यादा कम मसल लॉस होता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है। और जो है आपकी जो ये बॉडी है ये अल्लाह ताला ने बड़ी स्मार्ट बनाई है, ये बनाई इसलिए थी कि इंसान जब ज़मीन पे उतरा था तो पहले शिकार करता था, खाता था, फिर निकल जाता था, काम काज करता था, फिरता था और फिर कोई पता नहीं कब उसको दोबारा खाने को मिल जाए। जिस तरफ जो है अगर आप देख लें ये वाइल्ड लाइफ में, अगर आप आपने ये चैनल्स देखे होंगे जिसमें जितने भी ये शेर हैं ये शिकार करते हैं, उसके बाद इस तरह नहीं है कि वो फिर शिकार, वो फिर पूरा इंतज़ार करते हैं, फिरते हैं और फिर जब उनको भूख लगती है या एक लंबा अरसा फास्ट का गुजरता है फिर उसके बाद वो खाना खाते। तो इंसान भी ऐसे ही था। ये तो अभी जगह जगह खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, ये फास्ट फूड की चेन्स, ये सब कुछ हर खाने की चीज़ में चीनी ऐड कर दी है। तो बेसिकली हमने ये मुसीबत अपने सर पे खुद डाली है। अगर हम इसको फिक्स करेंगे, अगर हम डाइट को कंट्रोल करेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि मेरी कोशिश है कि ये इस वीडियो से अगर आप कुछ भी चीज़ें अपना लें तो मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। और आप हैं या आपके वालिद हैं या आपकी वालदा हैं या आपकी बहन है या आपके कोई भी रिश्तेदार है, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, अगर आप उनको ये वीडियो दिखा के उनको समझा देंगे तो उनकी लाइफ में बेहतरी आ जाएगी। ठीक, हमने ख़ुद को करना है, हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन चाहिए होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है और वो बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ नहीं है और उसका हल हमारे मज़हब में मौजूद है। और हम वो खुश नसीब कौम है कि अगर हम सही मानों में जो 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 रोज़ा है उसको सही तरह से उसका हक अदा करें, क्योंकि हमारे मज़हब में हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा भूख रख के खाने को तरजीह दी, उन्होंने कभी भी बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाया, उन्होंने 2 सालन नहीं खाए, उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी एक अमली नमूना है हमारे लिए कि हम उन्हीं चीज़ों को अपना के आज अगर जो है वेस्ट जो है वो चीज़ें ला रहा है उसको साइंटिफिकली प्रूफ करके कि देखो इसमें कितने बेनिफिट्स हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें तो काफ़ी अरसे से हैं, हम क्यों नहीं अपनाते इन चीज़ों को। तो वो लोग जो अपनी इस डायबिटीज से जान छुड़ाना चाहते हैं वो बेशक हफ्ते में 2 या 3 दिन रोज़ा रख लें, ठीक है, और रोज़े के अलावा क्या खाना है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, प्रोटीन फैट्स की तरफ जाएं, हेल्दी फैट्स प्रोटीन्स की तरफ जाएं, तो उनकी लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके अलावा कोई भी ऐसे सजेशन, कोई भी ऐसी वीडियो जो आप मुझसे बनाना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।